नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निधि और निधि की रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो अब समझ ही गए होंगे कि आज हम आंवले के अचार की रेसिपी लेकर आए हैं, और क्योंकि आप अभी इस समय मार्केट में बहुत अच्छे आंवले आ रहे हैं तो फटाफट आप भी अचार बना लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 पाव मतलब 750 ग्राम आंवले लिए हैं, और आप आंवले छांट कर ले लें, और बहुत छोटे आंवले नहीं लें या बहुत ज़्यादा हरे आंवले नहीं लेना है हमें, और आंवलों को अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें, क्योंकि अगर गंदगी रहेगी तो अचार ख़राब होने का डर रहता है। आप आंवलों को चेक कर लें, अगर इस तरह के कुछ दाग हों तो उनको हम हटा सकते हैं। अब इन आंवलों को हमें उबालना है, तो एक बर्तन में आप आंवलों को रख लीजिए और इतना पानी डालिए कि वो आंवले उसमें डूब जाएँ। अब इसको ढककर हमें 8 मिनट लगभग पकाना है, 8 या 9 मिनट आप पका लीजिए, और इतनी देर में आंवले गल जाएंगे। लेकिन ये टाइम उस समय भी डिपेंड करता है कि आपके आंवले कितने बड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 9 मिनट पकाया है। इसमें चाकू डालकर देख लीजिए, अगर आसानी से जा रहा है तो इसका मतलब आंवले पक गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इन आंवलों को हम निकाल लेंगे। और आप देखिए, इसको हल्का सा दबाने पे ही इसकी सारी फांक अलग हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही पका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, और थोड़ा बहुत कम होगा तो एक बार चल जाएगा, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो अचार उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से सारी फांकें हम थोड़ा सा दबाएंगे तो ये अलग हो जाएंगी। इनको हमें इस तरह निकाल कर अलग अलग कर लेना है, और फिर लगभग 1 से 1.5 घंटे इसको धूप में सुखा लीजिए। चाहिए तो अगर धूप नहीं हो आपके घर में तो आप इसको किसी कपड़े पे, सूती कपड़े पर फैलाकर पंखे की हवा पर भी सुखा सकते हैं। चलिए, जब तक ये आंवले सूखते हैं हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच पीली सरसों ली है, आपके पास ना हो तो आप काली वाली भी ले सकते हैं। 3 चम्मच धनिया, 3 चम्मच मोटी सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, और साथ ही 1 चम्मच अजवाइन लिए। तो इन सब मसालों को आप इकट्ठा करके रख लें। साथ ही साथ यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं सादा नमक, 3 चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच हल्दी, अब मसाला तैयार करने के लिए आप एक पैन हल्का गरम करें और उसमें ये खड़े मसाले डाल दें। आप चाहें तो इन मसालों को धूप में भी अच्छी तरह सुखा सकते हैं। हमें बस 1 मिनट ही धीमी आंच में पकाना है, 1 से 1.5 मिनट, जिससे कि सिर्फ इनकी नमी निकले, भुनने का स्वाद नहीं आना चाहिए। और हमें जब ये गर्म हो जाए मसाले अच्छी तरह से, इनकी नमी निकल जाए, तो इसको निकाल कर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम नहीं पीसेंगे, ठंडा होने के बाद ही पीसेंगे। अब उसी पैन में हम इस राई को डाल देंगे और इसको भी 1 मिनट हम भून लेंगे। इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब गैस बंद करने के बाद उसी गर्म पैन में हम ये कलौंजी डाल देंगे 1 चम्मच, और ये कलौंजी बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए आप गर्म पैन में ही डालें। अब पैन में हम करीब 1.5 कप सरसों का तेल लेंगे। इसको हमें अच्छी तरह गर्म करना है जब तक कि धुआं ना निकलने लगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है हम इन मसालों को पीस लेंगे। इसको हमें बारीक नहीं पीसना है, मोटा दरदरा पीसना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा मोटा दरदरा, कि बहुत बारीक हमें ये मसाला नहीं पीसना है। इस बीच तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसको हम गैस से नीचे उतार लेंगे और उसमें से 1/2 कप तेल हम अलग कर देंगे। ये देखिए, ये 1/2 कटोरी तेल मैंने अलग कर दिया है। 1 कटोरी तेल है, इसको मैं गैस पे ही रख रही हूँ, लेकिन गैस ऑन नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस बीच जो आंवले हैं वो भी अच्छी तरीके से सूख गए हैं, तो जो
गर्म तेल हमने किया था वो जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम उसमें मसाले डाल देंगे जो हमने पीसे थे। आप ये देख सकते हैं कि तेल बहुत गर्म नहीं है, हल्का गुनगुना है इस समय। अब इसमें हम एक चम्मच हींग डालेंगे और एक चम्मच अजवाइन और जो कलौंजी हमने भून कर रखी थी वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा चला देंगे जिससे कि तेल में हल्का सा सिक जाए। आप ये ध्यान रखिएगा कि गैस ऑन नहीं है। अब हम इसमें सारे पीसे मसाले डाल देंगे। आप मिर्च जिस तरह का तीखा पसंद करते हो अचार उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको बहुत लाल अचार, लाल रंग चाहिए तो उसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकती हैं। मेरी जो मिर्च है उसका कलर भी अच्छा आता है, वो तीखी भी है, तो मैं उस हिसाब से मैंने ये मिर्च ली है। अब इस तरह इसको चला लेंगे और ये जो गुनगुना तेल है उसमें ही सारे मसाले पक जाएंगे, हमें अलग से मसालों को पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आंवले हमने सुखा कर रखे थे वो इसमें हमें मिक्स करना है। ये आंवलों को मिक्स करने के बाद हम गैस ऑन करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे, स्लो फ्लेम पर हमें इसे हल्का सा पकाना है। तो थोड़ा सा एकदम धीमी आंच रखिएगा और लगभग 2 से 3 मिनट आप इसको पका लीजिए, जिससे अगर थोड़ी बहुत नमी आंवलों में हो तो वो भी निकल जाए। आप देख सकते हैं कि ये हमने थोड़े से हल्के से बुलबुले आने लगे तेल के ना, बिल्कुल उस समय तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना नहीं तो आंवले गल जाएंगे। एक कांच का बर्नी ले लीजिए आप और इसको धूप में या तो अच्छी तरह सुखा लीजिए, मैं माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ तो वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाता है और पूरी नमी इसकी निकल जाती है। अब इसमें सबसे पहले नीचे थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये मेरी मम्मी इस तरह से अचार डालती थी, इसे कहते हैं अचार ख़राब नहीं होता, तो थोड़ा सा नमक नीचे डाल देते हैं और फिर ऊपर से जो आंवले हैं हमने तैयार करके रखे मसाले मिलाकर वो उसमें डालेंगे। अब धीरे धीरे हल्के हाथों से उसको हम प्रेस कर देंगे जिससे उनके बीच में ज़्यादा गैप ना रहे। अब हम जो तेल हमने निकाल कर अलग से रखा था वो भी अब अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, अब हम इसको ऊपर से इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं जो खाली बीच में जगह होती है ना वो तेल अच्छे से वहाँ पे चला जाता है पूरे में और वो एयर बबल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो इस तरह से तेल हर जगह पहुँच जाता है तो अचार आपका कभी ख़राब नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे कि जिससे तेल ऊपर रहे और कोई भी आंवला तेल के ऊपर ना रहे। इस अचार को आप 2 से 3 दिन तक धूप में रखिए और जब तेल आपको लगे कम है तो थोड़ा सा तेल गर्म करके और ठंडा करके ऊपर से डाल लीजिए आप और अच्छे से एयरटाइट करके रखिए, आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।